तो तेरी भाई साहब, प्याज का ऐसा आपने कॉम्बिनेशन ना कहीं नहीं देखा होगा भाई। कहाँ कहाँ इनका नाम नहीं है। इनफैक्ट मैं भी हूँ कि अगर मैं पकोड़े का नाम लेता हूँ ना तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, खानदानी पकोड़े। चीज बनाओ, लिमिटेड बनाओ, पर टेस्ट बनाओ, टेस्टी बनाओ, इसीलिए आप फेमस है जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे खाना मजेदार। अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ आपका दोस्त गौरव पांचा, लेकर आ गए न्यू अमेजिंग वीडियो। आज ना दिल्ली में इतनी सर्दी हो रही थी ना कि मेरा मन करा पकोड़े खाने का। तो जब मेरा मन पकोड़े खाने का ना, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही नाम आया, क्या? खानदानी पकोड़े वाले का। और खानदानी पकोड़े वाला कहाँ है? सरोजनी नगर में। तो अब आपको सरोजनी नगर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो आप आ सकते हैं कमला नगर के पास, जो कि अब यहाँ पर खुल चुका है खानदानी पकोड़े वाला। अभी न्यूली इंडियन ने शॉप ओपन करी है यहाँ पे उस ब्रांच की। और इसका एड्रेस मैं आपको बताया तो शॉप नंबर 1608 चंद्रावल रोड, सब्जी मंडी, घंटाघर। और बाकी प्रॉपर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इनके पास ना इतने तरीके के पकोड़े होते हैं ना कि आपको सोचनी नहीं पड़ेगी एक बार भी कि मुझे प्याज के खाने हैं, पनीर के खाने हैं, चाप के खाने हैं। और आपने इनका नाम तो पहले सुन ही रखा होगा, जो कि सरोजनी नगर में है। और इनके पकोड़े खा के ना मतलब इतना मज़ा आ जाता है ना कि भाई जीभ ललचाती है। जब मैंने घर पे भी नाम सोचा ना, मैंने कहा कहाँ चले पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो एक ही नाम याद आया सिर्फ, कहाँ? खानदानी पकोड़े वालों के यहाँ। तो चलिए चलते हैं, आपको इनकी मेकिंग दिखाते हैं और भैया से थोड़ी बात करते हैं और आपको यहाँ का प्रॉपर एड्रेस भैया से और अच्छे से समझवा देते हैं। तो चलिए अंदर चल के पहले मैं आपको ना कुछ यूनिक चीज़ें दिखा देता हूँ भैया के यहाँ की, जिससे आपको पता चल जाए कि सच में इनका फेम है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ इनका नाम नहीं है NBT में। और जी आपका ये देखिए, पेपरों में इनका कई बार नाम आ चुका है। जैसे आप इन फोटोज़ में भी देख पा रहे होंगे कितने लजीज पकोड़े लग रहे हैं इनके। अभी वैसा तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा, ये भैया का मेन्यू है इधर। आपको पकोड़ों के साथ साथ ना यहाँ पे और चीज़ के भी जायके ले सकते हैं आप, और चीज़ों के जैसे नमकीन, बिस्कुट, और आप खा सकते हैं यहाँ पे छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाते हैं भैया। तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे आगे और क्या क्या है। ये देखिए जैसे कि भैया ये ला रहे हैं कुछ पकोड़े, तो और इनके पास ना अभी कोरोना टाइम के बाद, अभी तो फिलहाल कोरोना काल है, तो इसके बाद आप यहाँ पे बैठ के आराम से गरम गरम पकौड़े के भी मजे ले सकते हैं बैठ के। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ना चलते हैं भैया के पास और आपसे उनकी बात। भैया नमस्कार, मेरा नाम राजवीर है। हाँ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारी शॉप पे आने के लिए। भैया बेसिकली हमारी जो मेन ब्रांच है वो सरोजनी नगर में है, तो उसी की ही ब्रांच है ये, आउटलेट है उसका। ठीक है, तो वो है ये खुशबू जी के नाम से है। अच्छा अच्छा, जो यहाँ की ओनर हैं वो खुशबू मैम हैं। अच्छा, तो मैम वहीं पे बैठती हैं? नहीं नहीं, वो यहीं बैठती हैं, वो शाम के टाइम आएंगी। अच्छा अच्छा, जब मेरी ड्यूटी ऑफ होगी तब वो आएंगी। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि हम भैया से बात कर रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे मैनेजर है, सब कुछ देख रहे हैं, ये करते हैं। अच्छा भैया, उस वाली शॉप को आपका कितना टाइम हो चुका है? वो तो हमारी काफ़ी पुरानी है, 60 ईयर से ऊपर हो गए। अच्छा, तो आपने ये शॉप कब, आप इसकी डेट बताइए, कब आपने शॉप ओपन करी यहाँ पे? 23 दिसंबर 2022 को। तो अभी जल्दी भैया ने न्यूली ओपन करी है, तो आप अब आप सब वहाँ ना जाके ना यहाँ भी आके पूरे सेम भैया सेम टेस्ट मिलेगा, सेम टेस्ट है, सेम पकौड़े हैं, मतलब हर चीज जो वहाँ है वो यही मिलेगी, जो वहाँ मिलेगी वो यही मिलेगी। चलो भैया बहुत अच्छा, आपसे बात करके भैया बहुत खुशी हुई। अच्छा, शॉप का टाइमिंग और बता दीजिए, किस टाइम आप ओपन करते हैं? हम सुबह 6 बजे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे कोई भी आके 10-10:30 बजे तक। अच्छा, 10-10:30 बजे रात को आप, 10-10:30 बजे तक रात तक आप यहाँ पे आके आराम से पकौड़ों के चटकारे ले सकते हैं, और सुबह 6 बजे से। मतलब ये बहुत बढ़िया बात लगी भैया आपकी कि यार सुबह 6 बजे से, मतलब अगर मेरा मन करेगा ना सुबह 6 बजे आने का, तो मैं आपके शॉप पे सुबह सुबह 6 बजे आ जाऊंगा। हाँ, सुबह सुबह हमारे पास छोले भटूरे, गोलगप्पे, अगर जैसे मोस्टली दुकानों पे आप देखते हो कि वहाँ गोलगप्पे नहीं मिलते, शाम के टाइम मिलते हैं। हमारे यहाँ मॉर्निंग से सब कुछ स्टार्ट होता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका गोलगप्पे भी खाने का मन है ना सुबह सुबह, तो जैसे कि आप देख पाते कि शाम को, मोस्टली शाम को लोग बाग गोलगप्पे लगाते हैं, पर आपके पास सुबह से अवेलेबल होते हैं। हम सुबह, हमारे लड़के 4 बजे आ जाते हैं, वो गोलगप्पे वगैरह सब रेडी करते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है अपनी शॉप पे काम करके, थोड़ा ये हमारे व्यूअर्स के साथ और शेयर कर दीजिए। अच्छा लगता है, और फिर एक थोड़ा हम अपने आप में गर्वान्वित महसूस करते हैं कि भाई हम इतनी पुरानी, मतलब जो चलता हुआ आ रहा है, जो इसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल खानदानी, मतलब दिल्ली में ना मैं सुनता हूँ कि, इनफैक्ट मैं भी हूँ कि अगर मैं पकौड़े का नाम लेता हूँ ना तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, खानदानी पकौड़े वाला। हाँ, बहुत बड़ी रैली। जी जी, तो अच्छा लगता है हमें भी, मतलब यहाँ पर काम करके, और सुनते हैं लोग आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि हम इतने साल से वहाँ खाने के लिए जाते थे, अब यहाँ मिल रहे हैं। उनके जी बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपका। पर हमारे जो चीज़ें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, बहुत ही, मतलब सारी लिमिटेड चीज़ें होती हैं, यूनिक चीज़ें होती हैं। हाँ, मतलब टेस्ट में
कुछ भी कमी नहीं होती है। हाँ, मतलब हम मौका ही नहीं देते। मतलब आपकी कहने का मतलब ये है कि चीज बनाओ, लिमिटेड बनाओ, पर टेस्ट बनाओ, टेस्टी बनाओ, इसीलिए आप फेमस है जी। तो अब ज्यादा देर ना करते हो ना भैया की मेकिंग देखते हैं, और मेकिंग देखने बाद आपको ना सच में मेरा भी यार इतना मन कर रहा है ना गरम गरम पकौड़े खाने का, भी रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं मेकिंग देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यार, ये ना पकोड़े इतने टेस्टी लग रहे हैं ना, पहले भैया को ये देखिए कितने टेस्टी पकोड़े लग रहे हैं। ये स्टिक है, ये चाप है, मतलब पकोड़े ना इतने टाइप के हैं कि आप घर से आके ये नहीं सोचोगे कि हमें किस चीज़ के पकोड़े खाने हैं। जो आपका मन करे ना उस चीज़ के सारे पकोड़े अवेलेबल हैं। अच्छा भैया, कितने टाइप के पकोड़े रखते हैं आप? हमारे पास अभी 15 प्रकार के हैं, 15 टाइप के पकोड़े। दो तीन पकोड़े हैं जो हमारे सीजनल होते हैं। जो कौन से होते हैं? जैसे सीजन पे होते हैं, जैसे हमारे पास है ये अरबी पत्ता, अरबी पत्ता पकौड़ा। अरबी पत्ता, हाँ। अच्छा, ये सीजनल है, सब लिखा हुआ है हमने। करेला पकौड़ा हो गया, करेला पकौड़ा, ये पटौत पकौड़ा जो अरबी पत्ते से बनता है, ये सब सीजनल है। दो पकौड़े सीजनल है हमारे, बाकी सब हाँ। बाकी सब रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। तो मतलब का ये खाने का मन है, जो डायबिटीज पेशेंट है वो भी आके ना पकौड़ों के मजे ले सकता है, दोस्तों नुकसान भी ना करें। जैसे कि करेला पकौड़ा भैया ने बताया, अरबी पकौड़ा हुआ, और भैया ये चटनी और बता दो आप किस चीज़ की है। चटनी में सर सारी चीज़ें इसके अंदर, आप देखिए प्याज भी है और धनिया है, मेथी है, आप खा के देखिए फिर पता चल जाएगा। मतलब ये जो चटनी है ना, चटनी हमारी बहुत अच्छी होती है और सबसे अलग, वो डिफरेंट चटनी होती है। आपने चटनी ना पकोड़ों के साथ कई तरीके की खाई होगी, मीठी चटनी खाई होगी, पुदीने की चटनी खाई होगी, धनिया की चटनी खाई होगी, पर यहाँ जो चटनी मिलेगी ना, इसलिए ये कुछ यूनिक है। मतलब यहाँ जो चटनी मिलेगी ये कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी। सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल ये चटनी कहीं नहीं मिलेगी। और इसका ना रंग भी बिल्कुल अलग आ रहा है, और देखने में इसमें प्याज जो भैया बता रहे सीगरेट चटनी एक तरीके से आप जी जी जी, मतलब इसका राज ना आपको सिर्फ खा के ही पता चल सकता है, वैसे नहीं आपको पता चलेगा। आप ज़्यादा देर ना करूँ, आपको टेस्ट करके पहले बता लेते हैं हम गोभी पकौड़ा। आप भी लो ना भैया, हमारा तो मन भर जाता है, वैसे मन करता है तो खा लेते हैं। पकौड़ा देख रहे हो भाई, वाह भैया, ये तो स्टफिंग भी है ना इसके अंदर, भाई वाह, स्टफिंग वाले पकोड़े हैं बिल्कुल भी, ये नहीं है कि खाली है बस इसमें मामला। और ये मसाले अंदर तक मिलेंगे आपको, मसाले बिल्कुल अंदर तक, वाह। पकोड़े ना गोभी पकोड़ा कई जगह खाया होगा आपने, जो बहुत दूर दूर से चल के आते हैं, 20-20 किलोमीटर दूर से चल के स्पेशल पकोड़े के लिए। बिल्कुल, पर ये टेस्ट ना ओसम है भाई। ये आ गया पनीर का पकोड़ा, और ऐसा नहीं कि पनीर के पकोड़े में पनीर नाम मात्र के लिए, पनीर है बढ़िया। मतलब टेस्ट ना आपको एकदम यूनिक, और यार ये चटनी है ना भाई, मैंने ऐसी चटनी नहीं खाई पकोड़ों के साथ आज तक कभी भी, जबरदस्त भाई जबरदस्त। ओ तेरी भाई साहब, प्याज का ऐसा आपने कॉम्बिनेशन ना कहीं नहीं देखा होगा। मतलब अच्छे से बेसन में लिपटा हुआ पूरी एक प्याज, और अच्छे से अंदर तक ना, मतलब ये पकी हुई है, ये देखो भाई खाना मज़ेदार। अब मैं ना आराम से पकौड़ों का मज़े ले लेता हूँ बैठ के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।